हेलमेट का हाल देख रहे हो आप, अंदर से पूरा खाली हो चुका है। तो ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको मैं बता दूं कि जो प्लान था वो प्लान तो हो ही नहीं रहा। तो हमने सोचा घर पर टाइम वेस्ट क्यों करने का, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के समझा जाएगा कि होगा क्या, लाइफ कहाँ लेके जाती है। घर वाला सिचुएशन तो हमारा डन हो चुका है, इसलिए हमने सोचा कि अब लॉन्ग राइड पर निकलते हैं। तो लॉन्ग राइड की तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब बाइक की सर्विस हो चुकी है, डन। कैमरा सर्विस पर जा चुका है, डन। जो दो दिन में आएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं, इतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो कन्फ्यूज़ किया है मुझे, मिली जुली सरकार के तरीके से रिएक्शन आए हैं, किसी को लंबे बाल चाहिए, किसी को छोटे बाल चाहिए, किसी को छोटे बाल के साथ बियर्ड चाहिए, किसी को लंबे बाल ऐसे ही चाहिए जब तक KGF 2 नहीं आ जाती। तो आई एम लिटिल कन्फ्यूज, मेरे को भी एक दो दिन लगेंगे ये सोचने में कि हमारे को ये लंबे बाल रखने हैं या छोटे बाल रखने हैं। पर लॉन्ग राइड कन्फर्म है, उसके लिए हमारी जो तैयारियाँ चल रही हैं वो धीरे धीरे लास्ट स्टेज तक पहुँचती जा रही हैं। बाइक की सर्विस हो चुकी है, पर बाइक का क्या है, जो हैंडल है वो हमारे को लगता है कि लॉन्ग राइड पर हमारे शोल्डर में पेन ला देगा, इसलिए हमने सोचा कि उसका हैंडल बदलवाते हैं। बसंती हमारी मस्त करके चमक गई है, वैसे अंदर से इसका जो हिसाब किताब बना के कल सर्विस हुई है ना, इसकी मस्त हो गई है। मतलब जब ऐसे बाहर निकलता हूँ तो पता लगता है कि कोरोना वोरोना कुछ आया ही नहीं है, ऐसा लगता है। मतलब वही ट्रैफिक जाम, वही सब कुछ, बस सिर्फ एक ही चीज़ बदली है, वो है जी सबके चेहरे पर मास्क आ गया। बस हैंडल जो देख रहे हो, अगर मैं ऐसे वाले से थोड़ा सा कंफर्ट जोन और चाहता हूँ, अभी देखते हैं जाके। आजा आजा आजा, खिंच गड्डी, वेरी गुड। लग तो सही रहा है, कंफर्ट रहेगा आपका, बैग है ना, बैग एकदम स्ट्रेट रहेगा, परफेक्ट है मेरे दोस्त। ये कुछ करना है अभी, अपने इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहले तो ये बंदे के पास आई है राजदूत, राजदूत 1985 ये बोल रहे हैं कि इनके कौन थे, चाचा जी थे, कौन थे, मेरे अंकल थे, डैडी के लॉयर ही थे वो, बेचने वाले थे राजदूत को, मतलब बेच चुके थे वापस खींच के लाए हैं ये। क्या बात है, मतलब राजदूत ऐसी विंटेज गाड़ियां आप संभाल के रखो, बेचो मत, बेच के मिलेगा क्या 5-7 हज़ार, हार्डली 4 हज़ार संभालो, मेंटेन करके रखने में उसका कुछ ज़्यादा ही है। सही है, और ये एक हमारे दोस्त हैं, इनसे भी मिलवाते हैं, आओ यार एक बार में आ जाओगे ना ट्रेन में पूरे। ठीक है, ये बहुत सारे, यानी कि यहाँ पर लोग फोन कर दिया गया जिनकी वजह से हम इनसे मिल पा रहे हैं, वैसे लॉकडाउन में हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे। ब्लॉग देखते हो ना सारे, सारे क्या चीज़ है, स्टाइल बोलने का स्टार्टिंग बस, ठीक है निकालो बाइक बाहर। मिरर भी ठीक है, छाती भी तगड़ी बाहर आई हुई है, सब कुछ परफेक्ट है मेरे, कटिंग भी सही है, परफेक्ट है। बस ये शीशा थोड़ा सा खुलना है। इन लोगों ने ना जबरदस्ती करके ना, इन्होंने बोला कि आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो आगे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, और लिखा क्या होना चाहिए, सही लगेगा यहाँ पर। क्या बात है, चलो जी बाय बाय। अब सीन क्या हो गया है कि ये वाला सीन तो शॉर्ट हो गया, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कमर ऐसे सीधी हो गई है, परफेक्ट, और लॉन्ग राइड इस पर आराम से की जा सकती है। अब दूसरा काम जो पेंडिंग रह गया है वो है इसके हेलमेट का वाइज़र चेंज करना है। देखो जी, जो काम आए थे वो काम तो हुआ नहीं, जो मेन काम था, ठीक है, पर अफसोस करके मिलेगा क्या, इससे अच्छा हीर से मिलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो। क्या हुआ है, कैसे गिर गया, तो सीधा उसको खड़ा करो ना, खड़ा कर दो इसको, फिर मेरे को चलाने दोगे, आपको दिनार का मेरे लिए क्यों क्या हो गया, मेरे को चलाने दो ना, आप खाते हैं, फिर आप ना ये गलत जगह पर चला रहे हो, यहाँ पर कोई साइकिल चलता है क्या, सुनो ओए, यहाँ पर नहीं चलेगा, आप गिर जाओगे, यहाँ पर साइड में जाओ, चलो चलो यहाँ से,
बाय बाय कर दो। अरे उड़े नहीं बाहर, चलो चलो। अरे कैसे के? क्या क्या हो गया? निकालो उसको, ताकत लगाओ, शाबाशीर, कर सकते तुम, वेरी गुड बेटा। कहाँ फंस गई साइकिल? हाँ बेटा कर सकते हो, वेरी गुड। क्या हो गया, हुआ क्या? हाँ शावर उठा के करो। लगाओ ताकत, वेरी गुड बेटा। ये लो मैं कर देता, मैं कर दूँ, घुमा दूँ, ये लो चलो जाओ अब, बाय हीरू, बाय बाय करो, इधर बाय तो कर दो। तो आई नो कि बहुत सारे लोग ना एक क्वेश्चन करेंगे कि आज के व्लॉग में आवाज़ का बड़ा उथल पुथल था। बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैमरा सर्विस पर गया हुआ है, इसलिए अपने पास GoPro से हमने शूट किया, तो उसमें माइक नहीं लगता, तो जो भी एम्बियंस साउंड होता है वो आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, ओह नूर खान आए हुए हैं, हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि पूरा जैसे ये कल रात से अब यहाँ पर है और हम दोनों मीटिंग चल रही थी कि ये बाल कटाए जाएँ या रखे जाएँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने कंफ्यूज किया ना कि 50% लोग कह रहे हैं कि रखने चाहिए, 50% कह रहे हैं कटाने चाहिए, तो जो भी डिसीजन होएगा वो अगले व्लॉग में आपको दिख जाएगा। या तो ये लड़का ऐसे कैसा जो आप इतने महीनों से देख रहे हो वैसे ही दिख जाएगा, या फिर नया सत्यासगढ़ आपको देखने को मिलेगा। वैसा नहीं दिखेगा, ये बात की मेरी गारंटी है। मतलब बस ये उस साइड में है, मैं इस साइड में हूँ, कौन क्या साइड में, तो यही है। तो बाकी घर अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से बिखरा हुआ घर है, मतलब ये पहला इंसान होगा जो बोल रहा है कि बिखरा हुआ घर अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिखरे होने की वजह से हमारे को एक्साइटमेंट हो रही है कि कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो फाइनली जा रहे हैं। यही बताना था जी आपको, मेजर काम यही था कि लॉन्ग राइड की तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए अब किसी भी तरीके से, ठीक है। और तुझे आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे, चंगा फिर, रब रखा, रब रखा। कल ड्राई क्लीन होके सत्यासागर को देखिए। बस आज के लिए प्रणाम, कॉफी नहीं थी इसमें, एक्टिंग हो रही थी। बाय बाय।